मैं रमापत वर्मा दुबई में आया था लीबिया जाने के लिए। हमारा जो एजेंट है चंदौरुआ थाने का, धर्मदेव सिंह नाम है उसका, उससे हम लोग को यहाँ भेजा, फिर लीबिया जाने के लिए बोला, तो हम लोग यहाँ आया। 5 दिन के लिए बोला था कि 5 दिन में भेज देंगे, नहीं भेज पाया। 3 महीना से यहाँ बैठाया है। फिर हम लोग बोला उससे घर जाने के लिए, घर भी नहीं बुला रहा था। फिर हम लोग थाना पुलिस किया, FIR किया। फिर हम लोग को बोला ठीक है भाई, हम लोग को घर बुलाएगा और खाने का और यहाँ तक घर तक बुलाने का पूरा हमारा खर्चा रहेगा। अभी वो खर्चे से और खाने से मुकर गया। जो रूम मालिक है वो बोला जी भाई, वो उसने हमको एजेंट अभी तक कुछ बोला नहीं है और हम लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं। और जो भी है आगे जो कार्रवाई करनी है आप करिए। और हम लोग FIR भी दर्ज किए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ उसका। और धर्मदेव हम लोग का जैसे जवाब भी नहीं दे रहा। हम लोग कॉल किया, फिर उसने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं तो उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। और हम लोग का जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए और हमको जल्द से जल्द इंडिया बुलाना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप लोग का मालूम होगा कि मैं हर फॉरवर्ड एजेंट के खिलाफ मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और लोगों को समझाता रहता हूँ एजेंट और ऑफिस वाले कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं विदेश भेजने के नाम पे। और हर वीडियो में यही बोलता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि आप लोग किसी एजेंट या ऑफिस वाले का वीडियो देखकर आप लोग उस पर भरोसा मत कीजिए। पहले उसके बारे में किसी और भाई से पता लगा लीजिए, फिर आप लोग उसको ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत से भाई लोग जाके दुबई में फंस गए हैं और उन लोग को बोला गया था कि हम आपको लीबिया भेज रहे हैं, लेकिन लीबिया के नाम पे ये लोग 1.5 से 2 लाख रुपया लिए हैं और वो लोग दुबई में 3-3 महीना से फंसे हुए हैं। ना उन लोग को लीबिया भेजा जा रहा है, ना उन लोग को घर वापस भेजा जा रहा है दोस्तों। और मैं आप लोग बता, जिन भाई लोग के साथ फ्रॉड हुआ है वो कम से कम 150 से 200 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है दोस्तों। और वो लोग ग्रुप में वीडियो बना बना के मेरे पास भेजे हैं जिन भाई लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं उनके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे वीडियो भी लगा देता हूँ। लेकिन वो लोग भाई लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, जो एजेंट उनको भेजा था वो लोग इंडिया में अपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में उसके ऊपर FIR भी किए हैं दोस्तों। इसके लिए बोलता हूँ अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप लोग चुप मत रहिए, कम से कम उसके ऊपर FIR कीजिए। और जो आपके साथ हुआ है वो आप लोग वीडियो बना कर मेरे पास भेज सकते हो, और नहीं मेरे पास भेजते हो तो अपने मोबाइल में फेसबुक पर यूट्यूब पर छोड़ सकते हो कि कम से कम आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ वो फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों। ठीक है, पहले जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका पहले मैं यहाँ पे वीडियो लगा देता हूँ, एक ग्रुप का और एक ग्रुप का, और मैं बाद में वीडियो लगाऊंगा दोस्तों। इसी वीडियो में मैं दोनों ग्रुप का वीडियो में लगा दूंगा जिन भाई लोग के साथ फ्रॉड हुआ है, और पूरा डिटेल में वीडियो बना के मेरे पास भेज रहे हैं दोस्तों। पहले जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनका यहाँ पे आप लोग वीडियो देख सकते हो दोस्तों। मैं रमापत वर्मा दुबई में आया था लीबिया जाने के लिए। हमारा जो एजेंट है चंदौरुआ थाने का, धर्मदेव सिंह नाम है उसका, उससे हम लोग को यहाँ भेजा, फिर लीबिया जाने के लिए बोला, तो हम लोग यहाँ आया। 5 दिन के लिए बोला था कि 5 दिन में भेज देंगे, नहीं भेज पाया। 3 महीना से यहाँ बैठाया है। फिर हम लोग बोला उससे घर जाने के लिए, घर भी नहीं बुला रहा था। फिर हम लोग थाना पुलिस किया, FIR किया। फिर हम लोग को बोला ठीक है भाई, हम लोग को घर बुलाएगा और खाने का और यहाँ तक घर तक बुलाने का पूरा हमारा खर्चा रहेगा। अभी वो खर्चे से और खाने से मुकर गया। जो रूम मालिक है वो बोला जी भाई, वो उसने हमको एजेंट अभी तक कुछ बोला नहीं है और हम लोग यहाँ भूखे बैठे हुए हैं। और जो भी है आगे जो कार्रवाई करनी है आप करिए। और हम लोग FIR भी दर्ज किए थे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ उसका। और धर्मदेव हम लोग का जैसे जवाब भी नहीं दे रहा। हम लोग कॉल किया, फिर उसने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं तो उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। और हम लोग का जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए और हमको जल्द से जल्द इंडिया बुलाना चाहिए। ये वीडियो आप लोग देखिए दोस्तों, इन्हीं भाई लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। और मैं आप लोग बता दूं, ये भाई लोग अपने घर वाले से बोल के एजेंट पे FIR भी कराए, उसका भी मैं सबूत आप लोग को दूंगा। लेकिन जिन भाई लोग के साथ और फ्रॉड हुआ है उनका भी वीडियो में यहाँ पे लगा देता हूँ कि कम से कम 150 से 200 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है दोस्तों। ये अलग अलग ऑफिस से अलग अलग एजेंट द्वारा गए हैं और लीबिया के नाम पे जाकर दुबई में फंस गए हैं। और मैं आप लोग बता दूं, अभी लीबिया का वीजा बंद है दोस्तों, वो इंडिया का वीजा वो नहीं दे रहा है। इसके लिए ये लोग जाके दुबई में फंस गए हैं दोस्तों। ठीक है, जिनके साथ और फ्रॉड हुआ है उनका भी मैं वीडियो यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों, वो लोग किस ऑफिस से गए हैं और कौन सा एजेंट है, पूरा उस वो वीडियो में डिटेल में बताएं दोस्तों। पहले उनका आप लोग यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आगे आप लोग से बात करता हूँ दोस्तों। देखिए, हम लोग को
विदेश भेजने के झांसा देकर दुबई बुलाया गया। दुबई से हम लोग को लीबिया भेज दिया गया झांसा देकर के। ज़्यादा पैसा मिल रहा है और झांसा देकर के हम लोग को लीबिया भेज दिया गया। हम लोग नहीं जानता था कि ये लीबिया कंट्री बैन है, यहाँ ने इंडिया बैन किया है, यहाँ ट्रैवल करना माना है। हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हम लोग 2-2 लाख रुपया दे के आया, ठीक है। मेन जो एजेंट है दुबई से है, जो शिव कुमार राम है, सलेमपुर उत्तर प्रदेश का है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, टाइम से खाना नहीं दिया जा रहा है और 3 महीने का सैलरी नहीं दिया गया है। हम लोग यहाँ बहुत परेशानी में, हम लोग को बहुत बुरा तरीका से टॉर्चर किया जा रहा है, जानवरों की तरह बिहेव किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो एजेंट उनका फंसाया, उन लोग का भी मैं नाम बोल दे रहा हूँ। जैसे ब्रिजलाल यादव सिवान से हैं, और मिथिलेश यादव हैं सिवान से, और अलदीप सिंह हैं ये भी सिवान से हैं, रामाकांत राम है ये जो है लोमी चोर से बिहार से है, और मुक्तिनाथ निषाद है देवरिया से, और एक हैं और अनवर अंसारी जो ये कुशीनगर पड़ावना से हैं, एक मुन्ना सिंह है और एक विजय सिंह है। ये सभी लोग ने मिल के हम लोग को लीबिया भेज दिया है, ठीक। हम लोग को यहाँ पे खाना सही ढंग से नहीं दिया जा रहा, हम लोग बहुत यहाँ परेशान है। और इनके घर वाले जाके उस एजेंट पे FIR कराएं, और जो न्यूज पेपर में ये लोग खबर दिए हैं वो न्यूज पेपर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों मैं थोड़ा सा पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ, बाकी आप लोग वीडियो स्टॉप करके आप लोग खुद पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों, दुबई में फंसे मजदूरों का हाल बेहाल, घर वापसी की लगा रहे हैं गुहार। महाराजगंज दुबई में फंसे भारतीय मजदूरों का हाल बेहाल है, कोई भूख से परेशान तो कोई बीमार हो गया है। फंसे मजदूरों को मुफ्त करवाने की गुहार परिजनों ने पुलिस प्रशासन से लगाई है। विदेश भेजने के नाम पे एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत लेकर 5 पीड़ितों ने परिजनों ने सोमवार को श्यामदेवा थाना पहुंचे। श्यामदेवा निवासी सिघू गुप्ता, सुमन चौहान गोरखपुर जिले के जंगल पकड़ी गांव के रहने वाले, रामकली कुशीनगर जनपद के सिंधुरिया निवासी मंजू देवी एवं पनीवा थाना के खैचा गांव निवासी जनार्दन वर्मा ने बताया कि उनके परिजनों को श्यामदेवा गांव का रहने वाला एक एजेंट लीबिया देश में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और सभी से 1.5 से 2 लाख रुपया भी ले लिया। लीबिया की जगह 3 माह पहले दुबई भेज दिया गया, जहां पर उन्हें एक कमरे में रखकर दुबई का एजेंट पासपोर्ट लेकर चला गया। दुबई में फंसे मजदूरों ने बताया कि घर से लाया हुआ सारा पैसा खर्च हो गया, अब हम लोगों को भूख पेट सोना पड़ता है। गांव के एजेंट से बात करने पर फोन काट देता है, जल्द ही आप लोगों को दुबई से लीबिया भेज दिया जाएगा, कुछ लोग तो बीमार हो गए हैं। दुबई में फंसे मजदूरों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है। और ये जब FIR की है तो थाना अध्यक्ष क्या बोले हैं वो भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों थाना अध्यक्ष ने एजेंट को दिखाई सख्ती, मजदूरों को सुरक्षित घर बुलाने के लिए निर्देश। मामले की जानकारी होने पे थाना अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने विदेश भेजने वाले एजेंट को बुलाकर सख्ती हिदायत देते हुए कहा कि 4 दिनों के अंदर सभी पीड़ितों मजदूरों को सुरक्षित घर वापस बुलाओ। एजेंट द्वारा आनंद फानन में सभी मजदूरों के लिए एक टिकट निकाला गया है। एजेंट ने बताया सभी मजदूरों को 4 दिन के अंदर घर बुला लिया जाएगा। और इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, आप लोग जब एक बार फंस जाते हो ना तो आप लोग को कोई दिमाग काम नहीं करता है। इसके लिए आप लोग किसी भी ऑफिस पे जा रहे हो तो आप लोग सोच समझ के जाइए। मैं ये नहीं बोलता हूँ अपने इंडिया में जितना भी एजेंट है ऑफिस वाले वो सब फ्रॉड करते हैं, लेकिन 100 में से 90% लोग ऐसे हैं दोस्तों जो आपसे मतलब नहीं है, बस आपके पैसे से मतलब है। जब आप उनको पैसा दे दोगे ना तो आपको कहीं फंसा देंगे और फिर आपका फोन कॉल नहीं उठाते हैं। इसके लिए बोलता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे से जाइए, भले आप लोग 2-4 दिन लेट लगा के उसके बारे में किसी और भाई से पूछ लीजिए, फिर आप लोग उसको ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए। और मैं आप लोग बता दूं, अगर कोई भाई लोग लीबिया आना चाहते हैं तो भाई आप लोग लीबिया मत आइए, अभी लीबिया का वीजा बंद है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। और बहुत से भाई लोग बोलते हैं भाई मेरे को यूरोप जाना है, तो मैं बता दूंगा दोस्तों यूरोप के नाम पे ज्यादा फ्रॉड होता है दोस्तों। इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई मैं यूरोप का काम नहीं करता हूँ ना किसी का कराता हूँ दोस्तों। और मैं आप लोग बता दूं, कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप लोग एक छोटा सा वीडियो बना के मेरे पास भेज दीजिए। बहुत से भाई लोग बोलते हैं भाई
ये एजेंट मेरे साथ फ्रॉड किया है, आप इसके खिलाफ वीडियो बनाइए। मैं उनको बोलता हूँ भाई आप सबूत दीजिए, वीडियो बना के भेजिए कि कम से कम मैं सबूत में वीडियो में लगा सकूं। तो बोलते हैं ठीक है भाई मैं वीडियो भेजूंगा, लेकिन वो लोग वीडियो नहीं भेजते हैं, वो लोग डर जाते हैं। दोस्तों आप लोग सोचिए, जब आप लोग अपने ही देश में रहकर उस एजेंट या ऑफिस वाले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो, तो वो कहीं आपको गल्फ में भेज दे तो क्या आप लोग उसके खिलाफ बोल सकते हो? इसके लिए बोलता हूं दोस्तों, कम से कम आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए आप लोग मिल के आवाज उठाइए। और कोई भी भाई अगर गल्फ आना चाहते वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग दो चार वीडियो देख लीजिए कि कम से कम आपके पास अनुभव रहेगा, कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा दोस्तों। और ये वीडियो मेरा और भाई लोग के साथ अपने दोस्तों लोग के पास भेजिए कि कम से कम आप विदेश नहीं आ रहे हैं, वो लोग विदेश आ रहे हैं, तो उनको मालूम चल जाए कि कैसे कैसे लोगों के साथ फ्रॉड होता है दोस्तों। और मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए कि आने वाला वक्त में कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला किसी भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।